का ट्राई सिटी डीजे लाइट एंड साउंड एसोसिएशन द्वारा रोटरी क्लब यहाँ पे सेक्टर 37 में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जहाँ पे लोग ब्लड डोनेट करने आए, क्योंकि कोरोना की बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है और ब्लड की काफ़ी कमी आ रही है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है सोनू जी और चेयरमैन जो है मनमोहन जोली जी हमारे साथ है, मनमोहन जोली जी से बात करेंगे कि कितने लोग यहाँ पे ब्लड देने के लिए आए हैं। जोली साहब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे कितने लोग ब्लड डोनेट करने आए हैं? हमारे कम से कम जो है 70-75 लोग जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं, शायद ज़्यादा भी आए, कम से कम तो इतने हैं। मौसम ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा लग रहा है कि 75 लोग ही आएंगे। ये इसलिए लगाया है क्योंकि हमें पता लगा था कि इस वक्त जो है ब्लड की शॉर्टेज चल रही है PGI में भी और अस्पतालों में भी, इसलिए हमने इसको नज़र रखते हुए लोगों के लिए ये जो डोनेशन का काम किया है। हम पहले भी 2 बार लगा चुके हैं, इस बार हमने 2 साल बाद लगाया है। वैसे हम भारत विकास परिषद की तरफ से हर साल लगाते रहते हैं, हम बच्चों की शादियां भी करते हैं, मेडिकल कैंप भी लगाते हैं हर महीने, और भी बहुत कुछ छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ हैं वो करते रहते हैं। सर अं काफ़ी दिन तो सोच रहे थे कि असं ब्लड जो है डोनेट कराइए सारे पास, रीज़न क्या है कि आने वाले टाइम जो कोरोना का टाइम चलता पे है, वो तो वह असं सोचा कि शेयर करिए सारे बंदे ना ब्लड दे के कोरोना की प्रॉब्लम करके पीजे काफ़ी घाटा ब्लड का पै रहा है, उसको देख दो। असी एसोसीएशन ने एक फैसला किया जिसे सारे बंद ने कट करके साढ़े जोड़े तकरीबन 75-80 बंदे हो गए जोड़े ब्लड दे इतने आए।
हेमराज हमारे साथ है, ये जो लड़का ब्लड डोनेट कर रहा है, इनसे हम बात करते हैं कि आप कितनी बार ब्लड पहले भी दे चुके हैं। मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ। हाँ जी, कितनी एज आपकी? मेरी अभी 21 साल हुई है। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि ब्लड डोनेट करना चाहिए? मेरे तो 2000 मैं जब 17 साल का था तब से करना था, उस टाइम पे मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था, फिर मैंने दिया नहीं, अब मेरे को देना पड़ा, दे रहा हूँ। अब कोरोना की बीमारी जैसे बढ़ती जा रही है, आपका ब्लड हो सकता है किसी कोरोना पेशेंट को ही चढ़े, तो इसके लिए आपका क्या कहना? किसी पेशेंट के काम आ रहा है तो अच्छी बात है। आपका नाम? प्रीतम। प्रीतम, आपने पहले भी कभी ब्लड डोनेट किया? जी हाँ जी, 6 to 7 टाइम्स। जैसे कोरोना की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, अगर आपका ब्लड किसी कोरोना पेशेंट के चढ़ेगा तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होगी, अगर ये मेरा ब्लड किसी के काम आ रहा है तो इट्स गुड थिंग ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे हम ब्लड देने आए हैं और इस कैंप में इन्होंने किया, ये काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे काम कर रही है, पहले भी हम इनके साथ जुड़ चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा फील होता है ऐसी गुड थिंग्स करने में। इस नहीं, उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा मतलब कि अगर आपको लगता है कि ब्लड किसी के काम आ सकता है तो ये अच्छी बात है कि आप भी ब्लड दीजिए, ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ यहाँ पे फुल्ली सैनिटाइज होता है, डॉक्टर्स अपनी फुल सेफ्टीज के साथ ही करते हैं यहाँ पे काम, आप आ सकते हैं कभी भी ब्लड कैंप्स में और ब्लड दे सकते हैं। हम 5 बार भेज चुका हूँ पहले, और अच्छी बात है इस टाइम खून की बहुत कमी है क्योंकि ब्लड बैंक में कैंप नहीं लग रहे, तो बड़ी खुशी है किसी की जान बचेगी, सबसे बड़ा पुण्य है जी, महादान है। सर, आजकल कैंप्स की तो बहुत शॉर्टेज है क्योंकि कई जगह पे बिल्कुल ही लॉकडाउन हुआ पड़ा है, और लेकिन फिर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छी हैं जो बहुत हमें कोऑपरेट करती है, जैसे अभी हमारे जो हमारे मेन DJ एंड साउंड चंडीगढ़ के और ट्राई सिटी के ये लोग आए हैं, इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इन लोगों ने हमारी इस टाइम पे हेल्प की है, और इस टाइम पे जो हेल्प की गई है कोरोना पीरियड में जबकि हमें ब्लड की बहुत शॉर्टेज आ रही है, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। दान सबसे बड़ा दान है, और कोरोना के देखते हुए ब्लड की कमी के कारण हमारी एसोसिएशन ने सभी लोगों के कोऑपरेशन से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, और हम आगे भी ऐसे ही काम करते रहे। ये ब्लड इसलिए चंडीगढ़ में कोरोना के पेशेंट रोज बहुत ज़्यादा हो रहे, उस वजह से सरकार को भी इसकी कुछ मदद मिलेगी ताकि सबको ब्लड मिल सके आराम से। ब्लड डोनेशन कैंप आज की ज़रूरत है, खून की कमी है कोरोना की वजह से, इस वजह से हमने ये कैंप शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमारे अपना दान करके 10 लोगों की जान बचाई।